सांप एक्चुअली हम लोगों को जो है बहुत पहले ही पता चल गया था। हम तो वीडियो कैमरा लगा के देख रहे थे, हम तो उसकी ब्रीदिंग तक मूवमेंट देख रहे थे, तो सांप भी हमको दिख रहा था। लेकिन हम इस चीज़ों को जो है हम लोग जो है नहीं चाह रहे थे कि बाहर जाए पैनिक हो। हाँ, कई बार उसके आसपास भी घूमते हुए दिखा। बहुत सारे डिफरेंसेस थे। जो प्रिंस का ऑपरेशन था वहाँ पे मिट्टी थी, मिट्टी बहुत मुलायम थी, इसलिए उसको काटना ही जीता। दूसरा क्या था, प्रिंस जो है बोरवेल में ही था, टनल केविटी में नहीं गया हुआ था, आप समझ रहे हैं ना। तीसरी बात क्या थी कि जो है वो बच्चा सामान्य था, ये मेंटली रिटार्डेड बच्चा था। हमने कैमरा डाल रखा था, एक्चुअली हमने कैमरा लगा रखा था, जिस बच्चे के विजुअल्स आप लोगों को मिले हैं, हमने कैमरा लगा रखा था वहाँ पे नीचे, उसके थ्रू हम बच्चे को देखते रहते थे। तभी हमको पता चला कि नीचे सांप है, नीचे कैविटी है, और जो है जो है ये जो आप बताएं ब्रीदिंग, तो हम बच्चे के जो है बच्चे के पास कैमरा ले जाके उसके जो एब्डोमेन थे ना उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करते थे। मेन हमने लास्ट में भी जो है ना, जब बच्चे के पास पहुंच गए थे ना, एक बड़ी सी चट्टान जो थी वो पूरा उसने हमारा रास्ता रोक सकता था। देखिए, बच्चा कोई ऐसी छोटी चीज़ था नहीं कि हम ऐसे हाथ डाल के उठा लें, ठीक है। 10 साल का बच्चा था, उसको उठाने में ये भी ध्यान रखना था कि इसको और चोट ना आने पाए, और उसको खींचने, ऐसा नहीं था कोई बोरी नहीं था कि हम रस्सी बांध कैसे खींच लें, ठीक है। तो जब हम उसमें पहुंचे, एक बड़ी सी चट्टान थी, पहले तो हमको इतनी जगह बनानी थी कि बच्चा उस बच्चे को 8 इंच के बोरवेल से उठा के आपको टनल में टर्न कराना था। अब बच्चा कोई रबड़ का खिलौना नहीं था कि आप कहीं से भी उसको मोड़ते चले जाइए। तो हमने क्या किया कि पहले हमने उस चट्टान को हटाना, सबसे बड़ी समस्या थी, बड़ी मोटी चट्टान थी, आप लोग मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वीडियो उसके, तो वो नीचे न गिरने पाए। तो हमने पहले बोरवेल को पूरा पैक किया, ठीक है, बोरवेल को पूरा पैक किया हमने, उसमें हमने बोरी लगा के उसको पूरा बंद करके टाइट करके उसकी रस्सी अलग से रखी ताकि कुछ नीचे न गिरने पाए।